हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिजीज एक्स के बारे में बात करेंगे। डिजीज एक्स एक अनजान बीमारी है जिसे WHO ने डिजीज एक्स का नाम दिया गया है। डिजीज एक्स एक ऐसी बीमारी को कहा जाता है जिसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, जैसे कि ये बीमारी किस चीज से होती है, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, या इस बीमारी के क्या लक्षण हैं। WHO ने ऐसा कहा है कि ये बीमारी कभी भी आ सकती है और जब ये आएगी तो ये एक महामारी की तरह फैलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि जब ये बीमारी आएगी तो ये महामारी की तरह फैलेगी और ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक होगी। इससे 5 करोड़ से ज़्यादा मौतें हो सकती हैं और ये ज़्यादा इसलिए फैलेगी क्योंकि ये हवा से भी फैल सकेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप मरीज के कांटेक्ट में ना आए तो आप बच जाएंगे। WHO ने कहा है कि जिस तरह से स्पेनिश फ्लू फैला था और उससे भी 5 करोड़ से ज़्यादा मौत हुई थी, ठीक उसी तरह इस बीमारी में भी हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये बीमारी भी जूनोटिक होगी, यानी कि ये एनिमल्स से ह्यूमंस में फैलेगी। इबोला, HIV और कोविड भी ऐसी ही बीमारी थी जो कि जूनोटिक थी। ये पहले एनिमल्स में हुआ करती थी और इसके बाद ये ह्यूमंस में होनी शुरू हो गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह की बीमारियां इसलिए फैलने लगी हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में तेजी से चेंज हो रहा है और जनसंख्या में भी बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसी कोशिश की जा रही है कि जब तक ये महामारी फैले, इसकी वैक्सीन, इसका प्रिवेंशन और इसके ट्रीटमेंट के सारे तरीके खोज लिए जाएं। WHO ने ऐसी भी आशंका जताई है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह पर ये बीमारी फैलनी शुरू हो भी गई हो और इसका वायरस जो है वो म्यूटेट भी करने लगा हो। साइंटिस्ट 25 वायरस फैमिलीज जिनके हजारों म्यूटेंट हैं उन पर रिसर्च करना शुरू कर चुके हैं। जब तक इस बीमारी का कोई केस सामने नहीं आता है तब तक इसको लेकर किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही समय से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।